तरफ बन रहा है मछली और दूसरी तरफ बन रहा है मशरूम फ्राई, और ये सब हो रहा है एक ही कढ़ाई में और एक ही चूल्हे में। बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं हम कामयाब होते हैं कि नहीं। हमने फाइनली अचीव कर लिया गाइस, ओह माय गॉड। दोस्तों हम अगर आपको कहें कि हमने एट ए टाइम एक ही चूल्हे में एक ही कढ़ाई में दो दो आइटम बना दिए, तो क्या आप यकीन करोगे? अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो हम लोग के साथ वीडियो के एंड तक बने रहिए और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सच बोल रहे हैं कि झूठ। लेट्स चेक इट आउट। आज हम लोग बनाने वाले हैं एक तरफ फिश फ्राई और एक तरफ मशरूम। तो ठीक है, मैंने अभी डाला तेल, ये फिश फ्राई के लिए डाला मैंने, और ये डाला है मशरूम के लिए। बस मैंने कभी नहीं देखा, ये पहला एक्सपेरिमेंट है हमारा। बहुत अजीब सा लग रहा है, लेकिन देखते हैं हम कामयाब होते हैं कि नहीं। अच्छा अच्छा, ये लोग कौन कौन खास करके यूज कर सकता है अगर ये सक्सेस हो गया तो? ऑब्वियसली हम ही लोग यूज कर सकते हैं। yes. एक रेवोल्यूशन हो जाएगा ये जो हम लोग निकालेंगे। ओके, तो ये सरसों डाल दिया गया है। अच्छा, मछली में सरसों नहीं डालेंगे क्या? नहीं, वो सिर्फ फ्राई होगा। अच्छा ओके, अभी इसको तब तक फ्राई होने दें। अभी इधर तरफ हम लोग डालते हैं फिश। ओके, इस तरफ फिश गया। Oh my God. Yes. बहुत ही अजीब लग रहा है यार। मशरूम फ्राई बनेगा और यहाँ पे भी फिश फ्राई बन रहा है। तो आप देख सकते हो एक तरफ बन रहा है मछली और दूसरी तरफ बन रहा है मशरूम फ्राई, और ये सब हो रहा है एक ही कढ़ाई में और एक ही चूल्हे में। क्यों, है ना शानदार? तो देखते हैं सच में ये सब बनता है कि हमारा एक्सपेरिमेंट फेल होता है। अभी इसमें हम लोग डालेंगे मशरूम। अभी तक तो मुझे ठीक ठाक लग रहा है गाइस, और पोप खाने लायक बन जाए। यस, बन जाएगा, क्योंकि मैं बना रही हूँ ना, इसीलिए मैंने बोला कि खाने लायक बन जाए। यार मैं अच्छी कुक हूँ यार, इतनी बुरी नहीं हूँ, पता चल जाएगा। थोड़ा सा डाल देंगे इसमें नमक। क्या बात है यार, कितना टाइम बच जाएगा रे। तो अभी हमारा फिश बन गया, तो अभी हम इसको निकाल देंगे। ओह माय गॉड, देखो गाइस फिश रेडी हो गया उसी टाइम पे जब हमारा मशरूम बन रहा है। अभी बचा है अपना मशरूम। मशरूम बन गया तो अपना काम खत्म। तो देखो गाइस अभी हमारा चमत्कार क्या हो गया। अभी देखो, अभी तक हम एक ही आइटम में घिसते रहते, अभी इसी दौरान हमारा एक मछली भी बन के रेडी हो गया, देख सकते हो। तो 50% सक्सेस मिल चुका है, और बाकी अभी मशरूम होने के बाद हमको बताते हैं टेस्ट वगैरह कैसा है, और सच में ये कामयाब हुआ कि नहीं पता चल जाएगा। तो अभी ये हम लोग का डन है। अभी इसमें डाल देते हैं हम लोग धनिया। अभी इसको भी हम लोग निकालते हैं। सो गाइस, जितने टाइम में हमारा मशरूम रेडी हुआ उससे आधे टाइम में अपना मछली भी रेडी होके आ चुका है, और सेम ही टाइम में हमने दोनों को एक साथ बना दिया। तो क्या हुआ ना, हमारा डबल टाइम भी बच गया और एक ही चूल्हे में बना तो गैस भी कम ही खत्म हुआ। तो अभी हम इसको टेस्ट करेंगे, अगर टेस्ट अच्छा निकला तो भाई हमारा एक्सपेरिमेंट को हम सक्सेस मानेंगे। तो ये जो आइटम देख रहे हैं आप दोस्तों, ये मशरूम और ये मछली दोनों एट ए टाइम एक ही कढ़ाई में हमने बनाया है, और अभी इसको टेस्ट करते हैं। तू क्या टेस्ट करेगी पहले? मैं तू टेस्ट कर। क्यों रे, तेरे को अपने खाने बनाने के तकनीक पे भरोसा नहीं है? बनाते हैं ना, वो दूसरों को खिलाते हैं टेस्ट करने। चल रहे, पता है उल्लू बना रही मुझे। ठीक है चल, हमारा एक्सपेरिमेंट था, और ये जो फल मिला है उसको हम अभी चखेंगे और आपको बताएंगे कि आप अगर ये ट्राई करोगे तो ये काम में आएगा कि नहीं। लड़की सक्सेस, परफेक्टली, हुर्रे। ज्यादा खुशी मुझे इस बात पे हो रही है कि हमने एक रिस्क लिया था। चल अभी मशरूम की बारी है। हे भगवान, गॉन।
We did it. हमने फाइनली अचीव कर लिया गाइस। Oh my God. बहुत खुश हूँ गाइस क्योंकि हमारा ये पहला एक्सपेरिमेंट था और ये कामयाब हो गया। हम लोग ने फाइनली रेवोल्यूशन ला दिया किचन इंडस्ट्री में। अब मैं सारी मम्मियां हम लोग से खुश, मेरी मम्मी खुश, अब वो बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करेगी और हम लोग को 4-5 आइटम तो पक्का खिलाएगी। राइट, क्योंकि भाई आपका अगर उतने ही टाइम में डबल आइटम बन रहे हैं तो भाई आपको और क्या चाहिए जिंदगी में। तो गाइस वी आर रियली फीलिंग वेरी हैप्पी, हमारा पहला एक्सपेरिमेंट और ये काम कर गया। तो गाइस आप लोगों को भी अगर ट्राई करना है, ये लोहे का एक कढ़ाई लेना है। हाँ, वो कढ़ाई को हमने मार्केट में 300 के करीब में खरीदा और उसके बाद एक वेल्डिंग शॉप में गए, उन्हें उनको हमने आइडिया दिखा दिया कैसे करना है क्या नहीं, उन्होंने बना दिया। अगर आप लोग भी चाहते हो ऐसा ही कढ़ाई बनाए तो आप लोग एक कढ़ाई लेके आ जाओ, उस वेल्डिंग वाले भाई का मैं नंबर कमेंट सेक्शन में दे दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके ये बनवा सकते हो क्योंकि उन्होंने हमारा बनाया तो उनको आइडिया है कैसे क्या बनाना है, आपको वापस कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है। तो गाइज आपको अगर ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। या कुछ बोल रही है? हाँ, मैं ये बोलना चाहती हूँ अगर एक्सपेरिमेंट नहीं होता तो इन्वेंशन भी नहीं होता। और विद इन 1000 के अंदर ही हमको ये एक्चुअली ये कढ़ाई हमने बनवा दिया और आप लोग ट्राई कर सकते हो एक बार, ज़्यादा नहीं 1000 का ही रिस्क आपको लेना है। तो गाइज थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अगली वीडियो में फिर से कुछ नया तरीका, कुछ नया एक्सपेरिमेंट लेके आपके पास आएंगे। मिलते हैं फिर, तब तक ख्याल रखिए, बाय। मोदी जी अगर आप ये देख रहे हो वीडियो तो भाई हमें अवार्ड दो। मजाक कर रहा।